ठाकुर जी का उत्सव है, बिल्कुल मनाएंगे, परहेज के साथ मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे जरूर। और उसके लिए व्यवस्था भी हमने की है, सभी मंदिरों के बाहर हमने सैनिटाइजर मशीन भी लगाई है, सभी को जागरूक भी कर रहे हैं और भक्त भी हमें सहयोग दे रहे हैं। परसों आंवला होली थी, उसमें आंवला का भोग लगता है, आंवला का ही प्रसाद दिया जाता है। आपको बता दें कि जैसे ब्रज में होली मनाई जाती है, वृंदावन में होली मनाई जाती है, वैसे ही होली के सारे उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है आज लड्डू होली है, यानी लड्डुओं से होली खेली जाएगी। वृंदावन में भी आज लड्डू होली है और कल रंग होली है। इस बार हमने जो हमेशा से रथ निकालते हैं, क्योंकि उसमें भीड़ हो जाती है, आपस में बहुत संपर्क रहता है, डिस्टेंस रहता नहीं, तो इसलिए हमने जो रथ निकालते हैं वो रथ यात्रा जो है वो हमने इस बार ड्रॉप की है। लेकिन ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे, खुल के खेलेंगे और बाहर भीड़े में भी डिस्टेंस रखते हुए होली मनाई जाएगी। और उसके बाद जो है पूरा लंगर का प्रबंध होता है, ठाकुर जी के मिष्ठान का भी भोग लगता है, उसका प्रसाद बांटा जाता है। 29 तारीख को फूल डोल होली है, शाम को 5 बजे वो फूल डोल, ठाकुर जी फूलों से होली खेलेंगे। तो ऐसा ये उत्सव है, हमेशा से मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जाता है।